बार थाना कांड संख्या 389/19 ये एक आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ है, जिसमें AK-47 26 राउंड एम्युनिशन और 2 ग्रेनेड्स इनकी रिकवरी हुई है। इसी कांड में वे अभियुक्त हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और जो है पटना पुलिस उस विशेष टीम के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। एक तरफ पुलिस कोर्ट में वारंट के लिए प्ले करती है और जब कोर्ट से वारंट नहीं मिलता है तो उसी दिन रात में रेड किया जाता है, जबकि उनके खिलाफ जो यूएटी एक्ट लगाया गया था उसमें पुलिस बगैर वारंट के भी कॉलेज कर सकती है। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि पुलिस ने चूक कर दी है या फिर अदालत से कोई मौका मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। तो दोनों तरह के प्रयास, दोनों तरह की कार्रवाई साथ साथ चल रही थी, गिरफ्तारी के लिए भी और साथ साथ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट के लिए भी। गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने रिफ्यूज़ नहीं किया था उस दिन, जो है कुछ वारंट मिला नहीं और जो है उसके लिए फिर से जो है प्रे किया गया। आज क्या स्थिति है? आज से आज बंदे वारंट प्रे किया गया होगा, अभी उसका स्टेटस मेरे पास नहीं। आगे पुलिस क्या जैसा लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, तो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। जैसा मैंने बताया कि पुलिस विशेष टीम गठित करके उनके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है और वो प्रयास जारी है। उसके साथ साथ लुकआउट नोटिस आदि के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, वो प्रक्रिया गत कर। जैसे किसी भी कांड में अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है उसी प्रकार से इसमें भी गिरफ्तारी होगी। कानून के सामने सभी बराबर हैं और उसी प्रकार से इस कांड को भी लिया जा रहा है। उनका ये कानून है कि कार्रवाई, पुलिस सिर्फ कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर रही है और विधि सम्मत और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर रही है।